Myself Rachna Kumawat, Assistant Professor in Chemistry Department from Vedanta PG Girls College, Ringas. आज हमारा टॉपिक है BSc Part Second Year केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। अब ट्रांजिशन सीरीज कई प्रकार की होती है, जैसे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। आज का अपना मेन टॉपिक है 3D सीरीज। 3D सीरीज किसको कहेंगे? दिस ट्रांजिशन सीरीज इज फाउंड इन द एलिमेंट्स बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, यानी कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं एक प्रकार से, जो एस और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है एन माइनस 1d, 1 to 10, ns 1 to। इसका मतलब है कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एस में 1 होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर अपन इनके पीरियड की बात करें तो ये जो 3D सीरीज है ये फोर्थ पीरियड में पाई जाती है। कॉलम्स की बात करेंगे, कॉलम नंबर 3 to 12 होगा। इसके जो 3D सीरीज में पाए जाने वाले एलिमेंट 3D एलिमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन कौन से हैं वो एलिमेंट्स? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या पढ़ा अपन ने? n-1d, ns-1-2। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 21 से लेके 30 वाले किसमें आते हैं? 3D सीरीज में। एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन कौन सी नोबल गैस के जरिए भरे जाते हैं? इसको कहते हैं अपन ऑर्गन गैस। इसको नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं और हिंदी में अक्रिय गैस भी कहते हैं। कॉन्फिगरेशन क्या होगा? आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी ऑर्बिटल्स में जाएगा, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अगर स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो आने वाले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे और नोबल गैस के अलावा? 4s2 3d1। 1d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 1। ऐसे टाइटेनियम की बात करें तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम की बात करें 3। लेकिन क्रोमियम में क्या होता है, अगर नॉर्मल कॉन्फिगरेशन अगर इसका होता तो कितने होते इलेक्ट्रॉन? 3d4। लेकिन यहाँ पे 3d4 न होके इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 3d5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनकी जो एनर्जीज है एस ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल कैसी हो जाती है? लगभग इक्वल हो जाती है, जिससे एस का एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ट्रांजिस्ट कर जाता है। ट्रांजिशन के कारण अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बन गया? 3d5 4s1। आगे अपन बात करते हैं मैग्नीज की। इसका एटॉमिक नंबर है 25 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 4s2 3d5। इसी तरह अपन चलेंगे, फेरस के लिए कितना होगा डी का कॉन्फिगरेशन? 3d6। कोबाल्ट के लिए 3d7। निकल के लिए 3d8। कॉपर के लिए जब बात करें तो नॉर्मल कॉन्फिगरेशन क्या होना चाहिए? 3d9 4s2। लेकिन इसका ये कॉन्फिगरेशन नहीं होता, इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1। क्योंकि यहाँ भी इनकी जो ऊर्जाएं हैं लगभग समान हो जाती है और एस का एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ट्रांजिस्ट हो जाता है। जिंक की बात करें तो जिंक का क्या होता है? 3d10 4s2। ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होने के बाद जब अपन क्रोमियम की बात करें तो क्या हो गया है? डी का कॉन्फिगरेशन क्या हो चुका है? हाफ फिल्ड। और कॉपर की अगर बात करें तो इसका कॉन्फिगरेशन हो चुका है फुल फिल्ड। तो जब अपन इनके कॉन्फिगरेशन की बात करें तो जो तीन प्रकार के तीनों कॉन्फिगरेशन होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल, तीनों ही कैसे होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। इसलिए क्रोमियम और कॉपर के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होंगे वो मोर स्टेबल होंगे। आगे बात करते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। 21 टू 30 वाले सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता, केवल स्कैंडियम से लेके कॉपर तक को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, जिंक को नहीं। क्यों? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल अपना जो होता है वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए, या कहने का मतलब पार्शियली फिल होना चाहिए। यानी कि 1 से लेके अगर 9 तक के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। लेकिन जिंक इसके लिए कैसा होगा? जिंक को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे,
क्योंकि जो इसका डी ऑर्बिटल है वो कैसा है, कंप्लीटली फिल है। आगे अपन बात करते हैं इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा इनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अपन पहली प्रॉपर्टीज इसकी साइज या आकार के बारे में करेंगे। साइज और आकार को लेकर अगर कहा जाए पीरियोडिक टेबल में, अगर इनकी जो फोर्थ आवर्त के अंदर इनका जो लोकेशन है उसमें अपन स्कैंडियम से किधर जाए, जिंक की तरफ जाते हैं, यानी कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इनके आकार में कमी आती है। इनके आकार में कमी आती है, क्यों कमी आती है? आकार के लिए दो ही फैक्टर काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स एंड शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, नाभिकीय आकर्षण बल क्या है, इन एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस है उनके बीच में उपस्थित प्रोटॉन्स और आउटर ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या नाभिकीय आकर्षण बल कहा जाता है। जैसे जैसे नाभिकीय अट्रैक्शन फोर्स का मान बढ़ता है वैसे वैसे एटम के साइज कैसा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इट मीन्स लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या आ रही है, आकार में कमी आ रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम के लिए आकार कैसा है, बड़ा है, टाइटेनियम का उससे थोड़ा कम है, वेनेडियम का उससे थोड़ा कम है, लास्ट तक जाते जाते जिंक का आकार बहुत ही कम हो चुका है। यानी कि स्कैंडियम के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का मान ज़्यादा होगा और जिंक के लिए कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, इसलिए इसका आकार बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। फिर आकार को लेकर दो फैक्टर काम करते हैं, दूसरा फैक्टर है अपना शील्डिंग इफेक्ट। क्या है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? इनके जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं, जैसे अपने पास स्कैंडियम टाइटेनियम सबके आउटर ऑर्बिटल्स कौन से हैं, 3d1 4s, इनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला फोर्स। अब इन दोनों के ऊपर कैसा है, दोनों के इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्जेज है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों का चार्जेज सेम होने के कारण इनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स काम न करके यहाँ पे रिपल्सन फोर्स काम करेगा, जिससे आकार कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब शील्डिंग इफेक्ट इनके साइज इंक्रीज के लिए जिम्मेदार है। आगे अपन बात करते हैं इसकी, जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक जब अपन आते हैं तो इनमें से फेरस, कोबाल्ट और निकिल को क्या कहा जाता है, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कहा जाता है, लौह चुंबकीय तत्व कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बाद में क्या होने लग जाती है, जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, ज्यादा होते हैं। जैसे स्कैंडियम की अगर बात करें अपन, 1 होगा, स्कैंडियम के बाद कौन होगा, टाइटेनियम होगा, तो डी में 2 होंगे। वेनेडियम की बात करें तो डी में 3 होंगे। क्रोमियम की बात करें अपन तो डी में 5 होंगे। यहाँ तक आते आते स्थिति कैसी है अपनी, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड है। और जब अपन इस क्रोमियम से आगे बढ़ते हैं Mn पे आते हैं तो D में तो कैसे हैं, अनपेयर्ड है, लेकिन 4s में कैसे हैं, पेयरिंग है। इसके बाद जब D की और बचे हुए हैं फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, सब में क्या स्टार्ट हो गई है, पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो इनके मैग्नेटिक बिहेवियर में कमी आने लग जाती है, यानी जितने ज़्यादा अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इनका एक फॉर्मूला आता है उसके अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या बढ़ती है, इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ती है। इसके बाद अपन इनमें बात करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, हाई होता है। थैंक यू सो मच।